हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने संभाग की सीटों का लिया फीडबैक। जोधपुर के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने जोधपुर प्रवास के दौरान संभाग की सभी सीटों का चुनाव तैयारियों की दृष्टि से फीडबैक लिया। इस दौरान जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही क्षेत्र की विधानसभाओं के प्रतिनिधि और प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ हर बूथ पर चुनाव पर सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए। जावड़ेकर ने कहा कि भाजपा इस बार निश्चित तौर पर राजस्थान में आ रही है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है, लेकिन हमें पूरे जोश के साथ बूथ जीतने की रणनीति को कार्यान्वित करना होगा। बूथ जीता तो मानो चुनाव जीत लिया। भाजपा के संभाग मीडिया प्रमुख अचल सिंह मेड़तिया ने बताया कि स्थानीय लघु उद्योग भारतीय भवन में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में जावड़ेकर ने जोधपुर शहर सूरसागर सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि भाजपा के केंद्र और राज्य सरकार ने काम किया है। सकारात्मक सोच के साथ हमें घर घर जाना होगा, भाजपा की रीति और नीति से मतदाताओं को रूबरू करना होगा। इसके बाद उन्होंने जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही क्षेत्र की सीटों की बारी बारी से समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। संगठनात्मक बैठक में चुनाव संचालन समिति से जुड़े पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। जावड़ेकर ने जोधपुर में 3 दिसंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।